मैं इतना कह सकता हूँ कि हल्क के करेक्टर के ऊपर अब तक कोई भी अच्छी मूवी नहीं आई है, जबकि हल्क का जो करेक्टर है वो काफी दमदार है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बारे में, जो 2008 में आई थी, और अब तक हल्क के ऊपर जितनी भी मूवीज बनी है उनमें से ये वाली जो मूवी है वो देखने लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी हिस्ट्री छान लेते हैं हल्क के ऊपर। 1977 और 1978 में हल्क के ऊपर एक टीवी सीरीज आया करती थी, और उसके बाद 2003 में सबसे पहले एक मूवी आती है हल्क के नाम से ही, जहां पर ब्रूस बैनर कैसे हल्क बना, उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, वो सब चीजें दिखाई जाती हैं। और सच कहूं ये वाली जो मूवी है वो बिलो द एवरेज ही रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग रही हैं। अब खैर मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, यहां पर मैं बात करने बैठा हूं द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में, तो उसी के बारे में बात करते हैं। फिर 2003 के बाद आती है 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क, जिसके अंदर वो सारी चीजें नहीं दिखाई जाती है कि ब्रूस बैनर के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ब्रूस बैनर कैसे फर्स्ट ऑफ टाइम हल्क बनता है, ये सारी चीजें द इनक्रेडिबल हल्क में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो 2008 में जो था इनक्रेडिबल हल्क आई है वो 2003 का सीक्वल थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का कास्ट बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। 2008 के बाद सीधा हमें हल्क 2012 के अवेंजर मूवी में जाकर दिखता है, फिर उसके बाद तो वो कंटिन्यू हमें दिखता रहता है अवेंजर की मूवीज के अंदर, लेकिन अलग से कोई उसके ऊपर मूवी नहीं आती है। अगर आप एमसीयू की कोई मूवी देखते हो सुपर हीरो की, तो उसके अंदर आप देखो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है हर एक मूवी का, लेकिन इनक्रेडिबल या फिर हल्क के ऊपर इतना कुछ मैं कह नहीं सकता। वो अभी तक उसको अच्छे से इंसाफ नहीं मिला है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर मूवी अच्छे से बनके हमारे सामने नहीं आई है। ये जो इनक्रेडिबल हल्क है वो ऐसे कह सकते हैं यार कोई ना कोई मूवी बना दी गई और कोई मूवी हमको अच्छी लगी, वो वाली बात हो गई यहां पर। तो कहानी की बात कर लेते हैं द इनक्रेडिबल हल्क की, फिर से बता देता हूं। देखो 2003 की जो मूवी आई थी हल्क और 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क आई है, इनमें कोई भी लिंक नहीं है। द इनक्रेडिबल हल्क में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर किसी दूसरे देश में रह रहा है अपने देश को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, और काफी टाइम से उसने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा ताकि उसको गुस्सा ना आए और वो ग्रीन मॉन्स्टर में ना बदल जाए। अब लेकिन एक इंसान अपनी आइडेंटिटी कब तक छुपाएगा, या फिर कहूं कि मूवी को इंटरेस्टिंग तो बनाना ही था तो उसकी आइडेंटिटी लोगों को पता चलनी थी, या फिर ब्रूस को जो ढूंढने वाले थे जनरल रोज उनको पता चलना ही था कि ब्रूस कहां छुप कर बैठा, और एटलीस्ट उनको पता चल जाता और वो ब्रूस को पकड़ने वहां पर पहुंच जाते। लेकिन भाई साहब हमें थोड़ा और वेट किया जाता है कि हल्क हमारे सामने आएगा, और जब हल्क हमारे सामने आता है जनरल रोज और उनकी आर्मी और आमने सामने होते हैं ब्रूस के, तो भाई साहब जो हल्क वहां पर आता है, जो अपीयरेंस वहां पर हल्क का दिखाया गया कमाल का है, बहुत बढ़िया है यार, दिल जीत लेता है ये वाला सीन। और जो पार्क में ये फाइट होती है, ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हल्क इसके अंदर जीतने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी इनके ऊपर तोप और किसी भी गन का इसके ऊपर असर तो होता है नहीं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट होता है कि हल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ तोप और बंदूकें नहीं थी, कुछ और भी था, लेकिन यहां पर तो ये जीत जाता है। लेकिन उसके लिए तो आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट है जो हमने सोचे नहीं थे। 2 घंटे लंबी इस मूवी के अंदर हमें अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट हमारा इसके अंदर हो जाता है, यानी हम बोर नहीं होते हैं, कहानी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। देखो उसके लिए फिर से कह देता हूं आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई किसी को भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं। काफी बढ़िया मूवी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये वाली जो मूवी है द इनक्रेडिबल 2008 में आई मूवी, ये वर्थ इट है देखना। इसमें आप लोगों को लगेगा हां थोड़ा बहुत इंसाफ दे दिया गया है हल्क के करेक्टर को। भले ही आप इस मूवी के अंदर फाइटिंग सीक्वेंस की बात करो काफी जबरदस्त है, और आप इसके अंदर हल्क का जो अपीयरेंस देखोगे सच में लगेगा यार ये वाला जो हल्क है हम इसको मिस कर रहे थे। आप एमसीयू की मूवी देखें एवेंजर के अंदर, उसमें हल्क जैसा दिखाया गया दमदार उतना नहीं लगता है जितना इनक्रेडिबल हल्क में हमें देखने को मिलता है। और जो एंडिंग द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाई गई है तो उसको देखकर लगता है कि यार इसके ऊपर एक और मूवी आनी चाहिए थी, क्योंकि स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया जाता। फिर तो मैंने कहा ना 2008 में आई इनक्रेडिबल हल्क के बाद हमें सीधा 2012 में अवेंजर मूवी में हल्क को देखने को मिलता है। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5/10। अगर जिन्होंने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को इस मूवी में क्या अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं हल्क करेक्टर के बारे में। और जिन्होंने नहीं देखी है और आप सोचना आप देखना चाह रहे हो कोई हल्क के ऊपर मूवी, तो मैं आपको यही वाली मूवी रिकमेंडेड करूंगा कि 2008 में द इनक्रेडिबल काफी बढ़िया मूवी है, और आपको लगेगा हाँ यार हल्क ऐसा ही होना चाहिए था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।